हम लोग ये जा रहे हैं चंद्रिका देवी से आगे है 2 किलोमीटर दूर हरिवंश बाबा अक्षय वट देखने और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या चीज है। वही एक पेड़ लगा हुआ है ना बरगद का, ये देखिए ये हम लोग आए कितना सुकून। और यहाँ पे ये देखिए कि बरगद के पेड़, वाओ इसकी जड़ें, ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा, ये बहुत विशाल पेड़ है और हमने इस तरह का ये पहली बार देखा है। ये देखिए सब ये जड़ ही जड़ है, चारों तरफ से बरगद की जड़ है। ये देखिए ये हम लोग ये जहाँ पे आए हैं, ये क्या नाम है यहाँ का? हरिवंश बाबा। हाँ। अच्छा तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी कहानी यहाँ की? ये यहाँ यही पंडित जी तपस्या किए थे। हाँ। तो यही समाधि ले ली है, उन्हीं का प्रताप है सब। अच्छा उन्हीं का प्रताप है। हाँ। देखिए जिस पेड़ पे डार पहुँच जाती पेड़ लग जाता है। अच्छा 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 वो जो जड़ आता है वो वही लग के फिर पेड़ हो जाता है। अच्छा ये तो बड़े नई चीज है एकदम। उनका गोल गोल पत्ता दूसरे तरह का है ना? क्यों करिए आइए प्रसाद लेना चाहे ले जाइए। यहाँ कुछ महत्व बताइए इसका, कैसे क्या हुआ? पता थे बाल ब्रह्मचारी जी जी, यही तपस्या किए यही समाधि ले लिए जी, उन्हीं की माया सब यहाँ चली जी। दिल से मानिए आपका काम जरूर पूरा होगा। मंदिर में उत्तर साइड में मूर्त रखी काली दाही की। अच्छा पहन के जा सकते चप्पल? यहाँ जब उधर इधर घूमना होगा तब पहले लेना। अच्छा इसके अंदर नहीं पहन के जाते हैं? वो लोग जा सकते हैं वहाँ मोड़ तक। अच्छा चलिए प्रसाद चढ़ा कर। प्रसाद कितने का दे रहा? प्रसाद 51 का। 51 का हरिवंश बाबा अक्षय वट। देखिए ये बता रहा भी पंडित जी यहाँ का कि जो भी ऊपर से ये लटकती है लतर या बेल इनकी, और वो नीचे आके वो फिर से जड़ बन जाती है, ये इनका प्रताप है। परिक्रमा मार्ग है इधर, आइए परिक्रमा मार्ग आइए सब लोग चले दर्शन करने। चप्पल यही उतारना है कहीं उधर, चप्पल पहन के नहीं। ये देखिए यहाँ पे पेड़ों पे नाम लिखना मना है, 501 रुपए। और अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या? तो उसके ऊपर 501 रुपए का जुर्माना है। किसी भी पेड़ पे नाम लिखना मना है। परिक्रमा मार्ग हाँ, किधर से शुरू है? आइए इधर से चप्पल। ये देखिए ये पूरा बरगद की कैसे जड़े हैं, और बस हम लोग ये इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। कहते हैं कि इसकी परिक्रमा करनी चाहिए, तो हम लोग ये इसकी परिक्रमा कर रहे हैं सारे लोग नंगे पैर। ये देखिए ये देखिए, आप लोगों ने भी इस तरह का कहीं नहीं देखा होगा, ये यहीं पे देखने को मिलेगा। मैंने तो कहीं नहीं देखा और मुझे ये एक नई चीज़ दिखी कि ये हरिवंश बाबा जी जो है उन्हीं का प्रताप है और उन्हीं की ये महिमा है कि जो भी ऊपर से आती है ये लटक रही, और ये कहते जब ये नीचे आती है तो ये जड़ बन जाती है। वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ये देखिए ये बाबा जी के दर्शन के लिए हम आए हैं। ये उन्हीं की मूर्ति है बाबा जी की? जी, जी, तपस्या में है बाबा जी। हाँ। बाहर बाले तंबा खड़े हैं। अच्छा ये जड़ इनकी यहीं से आई हुई है? ये समाधि। अच्छा ये समाधि है? यहाँ पे बैठ के 100 साल तपस्या किए। अच्छा 100 साल मतलब इसी में रहे जी? कई बार हमारे विधायक जी कौशल किशोर जय देवी है मलिहाबाद से, कई बार यहाँ पानी बिजली बहुत दिक्कत होती। अच्छा हरिवंश बाबा जी इनके माँ बाप बलहे पन्मा गुजर गए थे, इकलौते बाबा जी थे, तो इनका स्वप्न हुआ अब मैं क्या करूं, एक विशाल जंगल में जाके तपस्या करूं। यहाँ विशाल जंगल था 350 साल पहले। अच्छा अच्छा तो आके
तपस्या करने लगे बाबा जी। यहाँ भूत प्रेत शेर बाघ सब रहते थे। हाँ जी, तो भोर में 4 बजे उठते थे बाबा जी, माँ चांदिका देवी ऐसे जंगलों जंगल जाके नदिया ऐसे चले जाते थे, दर्शन करके फिर आ जाते थे, तपस्या में नहीं रहते थे। तपस्या करते करते विजरूप हो गए, 100 साल गुजर गए। एक दिन नहीं पहुंच पाए माता जी के वहाँ, माता ने विचार किया मेरा भक्त नहीं आया, खूब कष्ट में होंगे, तो आके बाबा को दर्शन दिया माता ने, वरदान भी दिया, जो भक्त हमारे दरबार आए तो यहाँ जरूर आए। हाँ, कभी यात्रा पूरी होती ना अधूरी रहती। उसी के बाद बाबा जीते जी समाधि ले ली, ये समाधि। ये देखिए बाबा जी की समाधि दिखा रहे हैं, समाधि से अच्छा वट निकला है, मैं कह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं से ये पेड़ निकला है समाधि से। अच्छा, लगाते हैं, मन्नत मानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, मेला लगता है बाबा का, जो वट सावित्री पूजा होती है, वट सावित्री यही व्रत की पूजा होती है, और 7 रोज गायत्री महायज्ञ चलता है, 11 कुंभशाला है, हवन यहीं पे, तभी मेला लगता है। तो इतनी जड़े कैसे हो गई है? ऊपर की लताएं आती है जटा, हाँ, तो पेड़ बन जाती है। अच्छा, जितनी भी नीचे आती है वो पेड़ बन जाती है? नहीं, वही कह रहे हैं यहीं पे ऐसा है, जैसे और जगह भी बरगद के पेड़ लगे हैं, ऐसा विशाल नहीं जी है, बाबा की, बाबा जी की महिमा है ऐसा। ये वाले बनवा खड़े हैं बाबा जी। देखिये, बाबा जी ने यहाँ का महात्म बताया कि जो भी लताएं हैं किस तरह से नीचे जब उतरती हैं पेड़ से, तो वो अपने आप ही यहाँ पे जड़ बन जाती हैं। तो देखिए, इस तरह का आपने भी नहीं देखा होगा, तो अगर आप लोग को ये चीज़ देखनी है तो आप लोग यहाँ पे आइए, और ज़रूर आइए, मेरा तो कहना है कि बस ज़रूर आइए यहाँ पे दर्शन करने। मैंने बरगद के पेड़ तो बहुत देखे, ये देखिए, देखिए सब ऊपर देखिए लताएँ लटकी हुई हैं, ये देखिए, ये जो भी नीचे आ रही है ये सब फिर बता रहा है कि फिर इसी तरह से जैसे ये नीचे ये जड़ है इसी तरह हो जाएगी। बताइए बाबा जी, हमारे माध्यम से सरकार तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाहेंगे कि यहाँ क्या चीज होनी चाहिए जो नहीं है? यहाँ बहुत दिक्कत है सारी, यहाँ रात को हम लोग लाइट चली जाती है, पास में 11,000 लाइन गई है 50 मीटर। हाँ, वहाँ जो छोटा एक टेस्ट फार्म धर्ज आश्रम तरफ से, हाँ, बहुत आशीर्वाद। अच्छा, लाइट की व्यवस्था के लिए, जैसे ऊर्जा ये लाइटें हैं, हाँ, चार छह लग जाए चारों तरफ, तो रात को, हाँ, नहीं तो रात को कोई आता नहीं होगा, डर रहता होगा थोड़ा सा, 4-5 लोग हम रहते हैं। और पानी की आज बता रहे, बिजली की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे इनका कहना है कि एक ट्रांसफार्मर लगा करके और बिजली का प्रबंध करा दिया जाए, क्योंकि रात को काफी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा जंगल टाइप का लगता है। तो इसके आगे बढ़ती है और सरकार तक पहुँचती है, तो मेरा ये निवेदन है कि बाबा जी की बात को सुनी जाए और यहाँ पे इस चीज का प्रबंध किया जाए, ताकि इन लोगों को भी सुविधा हो सके। बहुत बहुत आशीर्वाद रहिए मुझे। देखिए, आप लोग पेड़ तो बहुत देखे होंगे बरगद का, लेकिन जैसा कि ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर से ये उतरी है जड़, ये लता उतर रही है, और ये देखिए नीचे जा करके ये जड़ बन रही है, ये इन्हीं की महिमा है। ये देखिए, यहाँ इन लोग के रहने की ये व्यवस्था है जिसमें लोग रहते हैं। तो बाबा जी बता रहे कि जो लोग यहाँ पे आते हैं ग्रुप के साथ और यहाँ पे थोड़ा सा पिकनिक भी करना चाहते हैं, तो उसका भी ये प्रबंध कराते हैं, क्यों बाबा जी? ये देखिए, यहाँ पे बाटी चोखे का आयोजन चल रहा है, कुछ लोग आने वाले हैं बता रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे आके पिकनिक भी करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। ये देखिए, बना रही हैं आप लोग की नाश्ता वगैरह बन रहा है। अच्छा, कोई आता है तो बढ़िया आयोजन हो जाता है कि सारी व्यवस्था आप लोग कर देते हैं? जी जी। तो यहाँ आते हैं रोज, अक्सर लोग मतलब आते रहते हैं लोग? की लोग तो रोज ही आते हैं, प्रोग्राम जिसे कोई एक दिन पहले बता दिया कोई, हाँ, आता है तो यहाँ पर चोखा बाटी वगैरह बन जाता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, फूट खीर है, चोखा बाटी, दाल चावल, जो भी बताएंगे सब बन जाता है। अच्छा, बताइए, बता रहे जो भी आप लोग यहाँ पे आकर के खाना चाहते हैं और अपने ग्रुप के साथ आइए पिकनिक करिए, तो ये लोग सब चीज यहाँ पे प्रबंध कर देते हैं। लेकिन बहुत सुकून वाली जगह है, बड़ा शांत और एकदम, और आम के पेड़ बहुत लगे हैं यहाँ।
ये बाग होगा किसी का, सब किसानों के अलग अलग बाग हैं। अच्छा देखो ये लोग भी बना रही, क्या बना रही? ये रहता है। अच्छा रायता है, फ्रूट रायता। अच्छा फ्रूट रायता बना रही है, ये देखिए। यहाँ पे हवन होता है सामने। हाँ ये आपका बरगदाही अम्बावती होता है, बड़ सावित्री पूजा। हाँ ठीक है, 7 दिन पहले यहाँ पर महायज्ञ शुरुआत होता है। अच्छा बरगदाही बड़ सावित्री पूजा के 7 दिन पहले ये 11 कुंडी हवन कुंडी शाला बना है, यहीं पर यज्ञ हवन होता है। अच्छा अम्बावसिया वाले दिन विशाल भंडारा करके पूर्णाहुति समापन, ये साल में एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। अच्छा तो बट सावित्री में यहाँ भीड़ होती होगी, बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बहुत। ये देखिए यहाँ पे बता रहे बट सावित्री में लोग आते हैं और बहुत ही विशाल आयोजन होता है। ये 11 कुंड बने हुए हैं, इनमें हवन होता है और अमावस्या के दिन यहाँ पे विशाल भंडारा होता है। कहाँ से आए हो तुम लोग बाबू घूमने? लखनऊ से। अच्छा लखनऊ से, तो तुम लोग पूरी पिकनिक मनाने आए हो? हाँ। ये देखिए सब बच्चे आए हैं पिकनिक मनाने यहाँ पे। यहाँ की महिमा देख करके तो वाकई में लग रहा है कि हाँ आज भी कुछ शक्तियाँ हैं ऐसी जो कि दिखती नहीं हैं लेकिन उनकी महिमा है। देखो सब लोग यहाँ अभी खरीदारी में जुट गए। ये देखो देखो जहाँ सामान देखा औरतें रुक जाती हैं, उनका मन नहीं भरता खरीदारी से। ये देखिए बाबू देखो ऊपर चढ़ा है मेरा। चलो भैया मैं नहीं चढ़ना अभी अभी उठ नहीं रहे, ऊपर चले जाते तो अच्छा लगता थोड़ा सा।